नमस्कार, मैं कमलेश शर्मा जन सरोकार मंच के कविता जब बोलती है शीर्षक के कार्यक्रम में अपनी कुछ रचनाएं लेकर आई हूं। कविताएं मेरे दिल का बवंडर है, मेरे दिल का गुबार है। जो बात मैं किसी से नहीं कह पाती वो कागज कलम लेकर कविता के रूप में पन्नों पर उतार देती हूँ। काफ़ी समय से इच्छा थी कि इस चैनल पर अपनी कविताएं पढूं, आज वह मौका मिला है। इसके लिए देवेंद्र जी का बहुत बहुत आभार। पहली कविता अपने काव्य संग्रह मन के से, कि ये काव्य संग्रह कैसे लिखा गया, क्यों लिखा गया, कैसे कविताएं पन्नों पर उतरती गई, जो कुछ मैंने अपने आसपास देखा सुना सहा उनको शब्द देने की कोशिश की, और कब वो शब्द कविताएं का रूप लेती रहीं पता ही ना चला। तो आज पहली कविता मेरी पुस्तक मन के से, ये मेरा पहला काव्य संग्रह है। इसी पर अपनी एक कविता लिखी है, मन के। जब जब मन के अंदर, जब जब मन के अंदर उठा बवंडर, निराशाओं ने घेरा धुंधला हुआ सवेरा, धुंध सी भोर में खामोशी के शोर में चुन चुन कर माला में पिरो लिए मैंने मन के। जिंदगी के अखाड़े में शह और मात का सिलसिला, कभी चित कभी पट चलता रहा, कभी जीत की खुशी कभी गम की मायूसी, तब जीवन के पन्नों पर उकेर कर मैंने पिरो लिए मन के। जब जब मन के अंदर मची हलचल, रहने लगा मन बेचैन हर पल, किसी ने नकारा किसी ने स्वीकारा, खोल दी शब्दों की पोटली पन्नों पर, शब्द जब खनके चुन चुन कर उन शब्दों को बुन लिए मैंने मन के। उदासीन वक्त में मन रहने लगा परेशान, चेहरे की हंसी के पीछे का तूफान, थमने का नाम ना ले तब जिंदगी के पन्नों पे उकेर कर सपने पिरो लिए मैंने मन के। जीवन की राह में सपनों की चाह में, कभी जीतना कभी हारना, सैलाब आंखों में पर नकारना, सीख लिया मैंने कमियों को स्वीकारना, जीवन ज्योति बुझने से पहले पिरो लिए मैंने मन के। तो ये थी मेरी पहली कविता मेरी ही पुस्तक मन के पर। एक कविता बेटियों पर। ये बेटियां भी ना बड़ी अजीब होती हैं, जब तक रहती पिता के घर छोटी बच्चियां बनी रहती हैं। ये बेटियां भी ना बड़ी अजीब होती हैं। माँ का आंचल थामे बात बात पर माँ से डांट खाती, कुछ सीखना ना चाहती, लगा लें सीने से तो आंखें डब डबा आती, नहीं कर पाती अपना कोई भी काम, हर काम के लिए बस माँ का नाम, काम हो जाने पर थिरकने लग जाती हैं, जादू की झप्पी दे अंतरंग मित्र बन जाती हैं, शादी होते ही रातों रात बड़ी हो जाती हैं, बेटी को पीछे छोड़ बहू बन आगे निकल जाती हैं। ये बेटियां भी ना बड़ी अजीब होती हैं। सीख जाती हैं घर चलाना, खाना बनाना, रिश्ते निभाना, पिया संग कदम से कदम मिलाना, हर काम बड़ी निपुणता से निभाना, करके एक घर को सूना, दूसरे घर की रौनक बन जाती हैं। ये बेटियां भी ना बड़ी अजीब होती हैं। बदलता इनके जीवन का अंदाज,
बदलता इनके जीवन का अंदाज, बेगानेपन का होता आगाज, जो घर अपना था, सुख शांति का सपना था, उस घर में अब पराया सा महसूस करती हैं। ससुराल से आने पर माँ से भी माँ सा सलूक करती हैं। ये बेटियां भी ना बड़ी अजीब होती हैं। बेटियों की बात चलते ही आंखें नम हो जाती हैं, शब्द गुम हो जाते हैं, भाषा मौन हो जाती है। माँ छुप छुप कर रोती है, रातों में तकिया भिगोती है। उसकी यादें, उसकी बातें कभी हंसाती हैं, कभी रुलाती हैं, संवेदनाएं कभी जगाती हैं। ये बेटियां भी ना बड़ी अजीब होती हैं, ये बेटियां भी ना बहुत अजीब होती हैं। एक कविता माँ पर सुनाना चाहूँगी। मेरी माँ तो नहीं है इस दुनिया में, पर मैं स्वयं एक माँ हूँ, मेरी बेटी भी माँ है। तो इन तीन पीढ़ियों की माँओं को जो देखा सुना समझा, उन्हीं पर ये कविता लिखने की कोशिश है। माँ, एक दिन माँ मेरी सपने में आ कहने लगी एक दिन माँ मेरी सपने में आ कहने लगी, ए मेरी बच्ची, तू क्यों इतनी उदास रहने लगी। मैंने कहा माँ, तुम नहीं होती आसपास तो मन हो जाता है उदास। तो माँ ये बोली, देह तो नश्वर है बेटा, ये सदा रहती कहाँ है, तुझ में बसती रूह मेरी, माँ कभी मरती कहाँ है। साथ हूँ हर पल में तेरे, मेरे जाने का तू गम ना करना, मैं छवि तू रूप मेरा, आंख अपनी नम ना करना। याद करके देख, मेरे होने का एहसास ना हो, आईना तुम देख लेना घर मेरा विश्वास ना हो। आज मैं भी माँ हूँ, माँ की आदतें मुझ में हैं बसती, मैं वही सब कर रही जिसके लिए कभी माँ पे हंसती। लेती जरा सा दूध, रख देती हूँ मलाई सहेज कर, बना के मक्खन उसका रख देती खाने की मेज पर, फिर सोचती हूँ कि बेटा आएगा तो घी बनाऊंगी और घी से सराबोर उसे हलवा खिलाऊंगी। पर ये भी जानती हूँ कि बेटा आएगा, ले लेगा हाथों में रिमोट, खोल लेगा लैपटॉप, आंखें धसा के उस पे बैठेगा चुपचाप, टेढ़ी गर्दन के नीचे रख लेगा मोबाइल या फिर खोल लेगा ऑफिस की कोई फाइल। ऐसे ही बैठेगा वो खाने की मेज पर, फिर भी रखती हूँ उसके लिए मलाई सहेज कर। बहुत याद आती माँ, नहीं भूल पाती माँ, माटी के चूल्हे पे खाना बना करके बिछा खटिया आंगन में सबको खिलाती माँ। गर्मा गर्म मक्खन से लथपथ पराठे हम बहन भाई मिल करके खाते। उम्र के उस पड़ाव पर रहती थी बीमार पर, कितना बढ़िया खाना बनाती थी माँ, ऐसा स्वाद और कहाँ। बाद में इस बात पर हम सब होते एक मत कि सुबह से शाम तक माँ क्यों करते इतनी मेहनत। आज मैं भी माँ हूँ, बेटा परदेश बेटी ससुराल में, बेटा परदेश बेटी ससुराल में, जैसे भी रहें जहां भी रहें खुश रहें हर हाल में। सुबह से शाम कितनी ही बार बच्चे पूछते मुझसे एक सवाल, सुबह से शाम कितनी ही बार बच्चे पूछते मुझसे एक सवाल कि माँ क्या करती हो दिन भर। रोज बता देती हूँ उनको एक नई बात कि खाली हूँ, नहीं है कोई जिम्मेदारी, घूमने निकल जाती हूँ लेकर के गाड़ी, देखती हूँ सिनेमा, जाती हूँ शॉपिंग मॉल, और कभी किट्टी पार्टी में सखियों संग करती हूँ धमाल। कभी लेख लिखती, कभी कोई कविता, समय बीत जाता पता भी नहीं चलता। खुश हो जाते हैं बच्चे कि ढूंढ लिए हैं उनकी माँ ने आधुनिक तरीके समय बिताने के, हंसेंगे मुझ पर जब सच हो जाने के। नहीं बताती उनको कि पुरानी साड़ी से सिल रही हूं कुर्ता, कुछ छोटे छोटे फ्रॉक
नहीं बताती उनको कि पुरानी साड़ी से सिल रही हूं कुर्ता, कुछ छोटे छोटे फ्रॉक और अचार मुरब्बों का उनके लिए बना लिया है स्टॉक। अब जानेगी बेटी तो वो भी हंसेगी, जानेगी बेटी तो वो भी हंसेगी, क्या करती हो माँ तुम फब्ती कसेगी, अरे माँ आपके सिले कपड़े किस काम आएंगे, हम तो अपने बच्चों को ब्रांडेड कपड़े पहनाएंगे, अरे माँ रेडीमेड का जमाना है, आखिर हमें किसके लिए कमाना है। पर माँ तो माँ है, माँ तो माँ है, माँ बच्चे का संसार है, माँ सृष्टि की रचनाकार है, माएं मरा नहीं करती, माँ है तो ये संसार है। आज माँ नहीं है, आज माँ नहीं है, सपने में कभी कभी आती है, पर आईना जब भी देखती हूँ एक माँ खड़ी मुस्कुराती है, एक माँ खड़ी मुस्कुराती है, एक माँ खड़ी मुस्कुराती है। तो ये थी मेरी कुछ कविताएं, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएंगी। अगली बार मौका मिलते ही फिर और कुछ कविताएं लेकर हाजिर होंगी। आप सब श्रोताओं का तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ, देवेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। फिर मिलेंगे कुछ और कविताओं के साथ अगली बार। नमस्कार।